अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अमार है और आप देख रहे हैं डबल ए रियल स्टेट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस न्यू वीडियो में आपको 8 मरला ए प्लस क्वालिटी वाले पार्क फेस हाउस का मैं विज़िट करवाऊंगा जो कि इस टाइम मेरे पास सेल के लिए अवेलेबल है। लोकेशन जो है घर की वो बहरिया टाउन फेज़ ए रावलपिंडी है और घर की जो डायमेंशंस है वो है प्रॉपर 30-60। 8 मरला के खूबसूरत घर को, 8 मरला के प्लॉट के ऊपर इस खूबसूरत घर को कंस्ट्रक्ट किया गया है और वीडियो आपने लाजमी एंड तक देखनी है। इसी वीडियो में आगे फर्दर घर की आस्किंग प्राइस, फ्लोर प्लान और तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। 5 बेडरूम्स की अकोमोडेशन वाला प्रॉपर व्यूअर्स है कि ये डबल यूनिट घर है। सबसे पहले फ्रंट फेसिंग इसका आप देख सकते हैं जिसके ऊपर 2 टोन्स में आपके पास ग्राफी की गई है। घर का राइट साइड वैकेंट है, घर के लेफ्ट साइड पे घर कंस्ट्रक्टेड है, फैमिली रह रही है और जो घर का ऑपोजिट साइड है वहाँ पे जो घर बना हुआ है उसका फेस स्ट्रीट की दूसरी तरफ है। तो बिल्कुल घर के सामने आपको पार्क मिल जाता है, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है वो बिल्कुल वॉकिंग पर मिल जाता है और मस्जिद जो है वो भी आपको बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर मिल जाती है। ये इसका खूबसूरत फ्रंट फेस है। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रीट का वॉकिंग रैंप है, 50 फीट तकरीबन आपके पास मेन रोड है। उसके बाद यहाँ पे आपको मेन गेट स्लाइड वाला मिल जाता है, राइट साइड की तरफ स्लाइडेबल है, बड़े साइज़ का कार रैंप। यहाँ पे ग्रीन एरिया भी आपको मिल जाता है जहाँ पे वार्म लाइट्स का यूज़ किया गया है। फर्दर जो इसका फ्रंट फेस है वहाँ पे भी आपके पास डबल शेड वाली वार्म लाइट का यूज़ किया गया है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास सारे का सारा सिटिंग एबल टेरेस एरिया है। यहाँ पे हमारे पास आते व्यूअर्स इसका कार पोर्च, जहाँ पे आप एट द सेम टाइम 2 छोटी गाड़ियाँ अगर हैं तो यहाँ पे आप अकोमोडेट कर सकते हैं। और लेफ़्ट साइड की जो वॉल है यहाँ पे आपके पास सबसे पहले स्टोन टाइल्स हैं, आर्टिफिशियल ग्रास है, वार्म लाइट है, फ्रंट पे कैलीग्राफी की गई है आपके पास और 2 एंट्रेंस आपको मिल जाती हैं। राइट साइड पे यहाँ पे आपको इसका अंडरग्राउंड टैंक मिल जाता है, पानी का पम्प, और ये आपके पास ड्राइंग एरिया की वेंटिलेशन विंडो है। मज़ीद अगर फॉल सीलिंग देखें तो यहाँ पे खूबसूरत तर्ज में कंप्लीट की गई है, एक GFC का फ़ैन है और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 2 ग्रैंड एंट्रेंस है घर के अंदर एंटर होने के लिए। जो राइट साइड का डोर है वो ड्राइंग एरिया के एक्सेस का है। जो यहाँ पे डबल डोर है ये हमारे पास मेन एंट्रेंस लॉबी का है। ये जो मेन डोर्स हैं व्यूअर्स प्रॉपर सॉलिड हैं, इनकी क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है, डिज़ाइनिंग भी बहुत खूबसूरत की गई है। तो घर के अंदर चलते हैं इसकी एंट्रेंस के थ्रू। अब आप मेन एंट्रेंस से एंटर होते हैं तो आपके पास एक एंट्रेंस लॉबी है। अच्छा, आपने अगर फर्स्ट फ्लोर को रेंट आउट करना है सबसे पहले, क्योंकि मोस्टली लोग जो होते हैं वो बड़ा घर इसीलिए परचेज करते हैं एक पोर्शन को रेंट आउट करने के लिए, यहाँ पे आपकी ऑलरेडी पार्टीशन हुई हुई है। अंडर द स्टेयर्स यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका पाउडर रूम और जो ग्राउंड पोर्शन की आपकी एंट्रेंस है, एक शैंडलियर भी है, बिल्कुल सामने फ्रंट पर दी गई है। तो व्यूअर्स एंटर हो चुके हैं घर के अंदर और एंटर होते साथ ही आपको एक बात बताना चाहूँ कि ये जो 8 मरले का घर है इसका जो हाउस मैप है वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अब ये हमारे पास इसका खूबसूरत तरीन बहुत ही लेविश टीवी लाउंज है और यहाँ पे प्रॉपर एक थीम वाला बहुत ही ह्यूज कैपेसिटी में आपके पास इसका ड्राइंग रूम डिज़ाइन किया गया है। अब मैं आपके साथ इसका फर्दर मैप डिस्कस करूँ तो एक साइड के ऊपर आपके पास ओपन किचन है यू शेप, सामने आपके पास 2 मास्टर साइज बेडरूम्स हैं अलॉन्ग विद अटैच वॉशरूम्स। बहुत बड़े बड़े कमरे बनाए गए हैं इस घर में। ये बेडरूम फर्स्ट आपको मिल जाता है, यहाँ पर सेकेंड, और ये सारे का सारा आपका लिविंग है प्लस ड्राइंग रूम। अब अगर मैं आस्किंग प्राइस इस घर की बताऊं तो व्यूअर्स लोकेशन बहुत प्राइम है। लोकेशन को देखते हुए एक तरह से आप इसको कह सकते हैं पार्क फेस हाउस, क्योंकि ये घर का जो फ्रंट है वो लाइफ टाइम ओपन है। सामने आप देख सकते हैं रोड है, ये पार्क बना हुआ है, सामने घर है, इसका फेस जो है पार्क की तरफ है। तो ये भी आपका घर जो है एक तरह से पार्क फेस फ्रंट ओपन कैटेगरी का ये घर है। अच्छा, जो आस्किंग प्राइस है इस घर के ऑनर की तरफ से इस घर की वो है 3 करोड़ 90 लाख रुपए। 3 करोड़ 90 लाख रुपीस में व्यूअर्स आपको ये 8 मरले का ब्रांड न्यू डबल यूनिट खूबसूरत सा मॉडर्न घर मिल जाता है जो कि इस टाइम मेरे पास बहरिया टाउन फेज़ 8 में सेल के लिए अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पे फ़ैन मिसिंग है, वो इंस्टॉल किए जाएंगे। 2 छोटे छोटे वार्म लाइट्स वाले शैंडलियर हैं, मीडिया वॉल पे भी गोल्डन लाइंस वाली आपके पास टाइल है। यहाँ पे अगर आपने इन फ्यूचर अगर इसको सेपरेट करना हो तो आप इन बॉर्डर्स के ऊपर स्लाइड वाले डोर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। ड्राइंग रूम आपका कम्प्लीटली प्राइवेट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे भी बड़े साइज की कैलीग्राफी की गई है आपके पास मिरर्स में, और यहाँ पे भी निशेज हैं, और ये वॉलपेपर सराउंडिंग में आपके पास वुडन बॉर्डर्स के, और ये आपके पास फ्लोर पे कम्प्लीटली एक डिफरेंट पैटर्न का टाइल यूज़ किया गया है। अब आ जाते हैं इसके हम खूबसूरत से किचन में। तो इस किचन में मैं आपको बताता जाऊँ, यहाँ पे आपके पास राइट साइड पे सबसे पहले आ जाते हैं
रैक्स वगैरह, ओवन, बेकर इंस्टॉल्ड है, सारी की सारी ग्लास शाइनिंग आपके पास कैबिनेट्स हैं, रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रही होगी, और यहाँ पे हायर की अप्लाइंसेस भी आपके पास, हैंडल्स वाली कैबिनेट्स हैं लोअर, और डबल साइडेड, मतलब ये आप देख सकते हैं यू शेप आपके पास किचन जो है सारा ग्राउंड पोर्शन का डिज़ाइन लिया गया है। टॉप तक आपके पास कैबिनेट्स हैं जो यहाँ आपके पास अप्रोचेबल हैं, ये सारी की सारी हैंडल लेस है, इनको जस्ट आपने ग्रैब करके ओपन करना है। यहाँ पे आपका आ गया वॉश एरिया, ये आपका काउंटर टॉप सारे का सारा आ गया, यहाँ पे डिफरेंट आपके पास अप्लाइंसेस अवेलेबल हैं। अब किचन से आप आते हैं तो आपके पास ये मीडिया वॉल है, ये सारा एरिया हम विज़िट कर चुके हैं। अब यहाँ पर दो कमरे हैं हमारे पास, राइट साइड से बेडरूम। अच्छा, टाइल्स सबसे पहले आप देख लें, एक ही पैटर्न का टाइल वर्क है। राइट साइड से हम बेडरूम फर्स्ट में एंटर होते हैं तो सबसे पहले राइट साइड की आप वॉल चेक करें, फीचर्ड है, एक खूबसूरत राउंड शेप मिरर, टॉप पे दो वार्म लाइट्स, बैक साइड सारे का सारा 3D वॉलपेपर है, स्कॉटिंग आपको ब्लैक में मिल जाती है, और इस रूम से आपके पास घर के बैक साइड लॉन्ड्री की एक्सेस है। यहाँ पर आपको 3-door ओपनएबल वार्डरोब्स मिल जाती हैं, और ये रहा इसका अटैच वॉशरूम। शॉवर का जो कॉन्सेप्ट है सारे का सारा कंसील्ड है, आपका सेपरेट शॉवर एरिया है, और ये वॉशरूम जो है पूरे का पूरा आपको टाइल्ड मिल जाता है। कंसील्ड एग्जॉस्ट फैन, वेंटिलेशन विंडो, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं प्रोफाइल लाइट वाले, अगर मैं इसको ऑन करूँ, ये आपको मिल जाता है इसका वॉशरूम। छोटी मोटी एसेसरीज भी हैं साबुन शाबुन रखने के लिए। तो व्यूअर्स, ये हो गया हमारा बेडरूम नंबर फर्स्ट, और बेडरूम फर्स्ट से आप अगर एग्ज़िट करते हैं तो सामने आपको मिल जाएगा सारे का सारा लिविंग का व्यू, राइट साइड पे आपका किचन, और एक्सट्रीम राइट पे आपको मिल जाता है बेडरूम नंबर सेकंड। एज़ कम्पेयर टू बेडरूम फर्स्ट, इसकी अकोमोडेशन स्पेस थोड़ी ह्यूज है, ज़्यादा है। यहाँ पे आपको डिफरेंट फीचरिंग मिल जाती है वॉल पे, वार्म लाइट भी है, मिरर, वार्म लाइट्स वाले मिरर्स मिल जाते हैं, मैट फिनिशिंग की आपको सारी वार्डरोब्स मिल जाती हैं, और इस ये कमरा इतना बड़ा है कि आपको यहाँ पे दो पखे भी मिल जाते हैं, बेडरूम्स के अंदर दो पखे। तो यहाँ पे भी आप, मतलब जो खिड़की है इसको फ्लांग के आप जो है बैक साइड लॉन्ड्री भी चेक कर सकती हैं। अच्छा, ओवन भी, सॉरी गीज़र भी इंस्टॉल्ड है। ये सामने सारा मिरर आ गया, और ये रहा आपका बेडरूम नंबर सेकंड का अटैच वॉशरूम। इसमें भी शॉवर कैबिन सेपरेट है आपका, आपके पास वार्म लाइट वाला मिरर, और ये आपका आ गया वैनिटी सेटअप, साबुन और लिक्विड रखने के आपके पास एसेसरीज। तो व्यूअर्स, ग्राउंड पोर्शन पे दो बेडरूम्स हैं वॉशरूम्स के साथ, टीवी लाउंज है, ड्राइंग एरिया है वॉशरूम के साथ, एक अदद आपके पास किचन है। अब वापस से हम चलेंगे इसकी एंट्रेंस लॉबी में, और इसका जो फर्स्ट फ्लोर है उसको मज़ीद जाके हम विज़िट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये आ गई है हमारे पास फर्स्ट फ्लोर की खूबसूरत सी लॉबी, जहां हम ग्राउंड पोर्शन से फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस करते हैं। मज़ीद जो ये स्टेयर्स हैं ये हमें छत की तरफ लेके जा रही हैं, छत पे सर्वेंट रूम है अटैच वॉशरूम के साथ। अब हम चलते हैं, विज़िट करते हैं इसका फर्स्ट फ्लोर। अब इस रूम में हम एंटर एरिया में एंटर होते हैं, सामने माशाल्लाह से वॉल निश है, लोहे कुरानी माशाल्लाह से मेंशन है, और यहाँ पे आपका मीडिया वॉल, फर्दर जो मैप है वो सारे का सारा आपका ग्राउंड पोर्शन की तरह है। ड्राइंग रूम की जगह आपको एक सेपरेट बेडरूम मिल जाता है, सामने आपको वही अगेन ओपन किचन मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं रिमेनिंग दो बेडरूम्स। तो 3+2 का यूनिट है, ऊपर वाले पोर्शन में तीन कमरे हैं वॉशरूम्स के साथ, एक टीवी लाउंज है, ड्राइंग रूम है, और एक आपके पास किचन है। ग्राउंड पोर्शन पे दो आपके पास बेडरूम्स हैं, एक टीवी लाउंज है, किचन है, ड्राइंग एरिया है वॉशरूम के साथ। तो ये आपका आ गया स्ट्रीट व्यू वाला बेडरूम। ये सामने खूबसूरत पार्क आपके पास प्रॉपर डेवलप्ड, बच्चे खेल रहे हैं। ये फ्रंट ओपन कैटेगरी आ गई, ये आपके सारे का सारा मेन रोड है, और उसके अलावा ये टेरेस की एक्सेस आपको मिल जाती है, और एक अगर मैं कॉर्नर से दिखाऊँ तो ये सारा आपका मास्टर साइज बेडरूम है। अब इसका वॉशरूम थोड़ा सा कंजेस्टेड है, आपके पास एक वॉकवे है, राइट साइड पे वार्डरोब्स हैं, पोर्टा की सैनिटरी है, लेकिन ये जो वॉशरूम है सारे का सारा आपको टाइल्ड मिल जाता है। कंप्लीट यहाँ पे कंसील्ड मिरर है लाइट वाला, और नीचे वैनिटी वगैरह। तो व्यूअर्स, ये हो गया हमारे पास बेडरूम नंबर फर्स्ट फ्लोर का। अब यहाँ पर भी लिविंग एरिया में फ़ैन मिसिंग है, वो इंस्टॉल किया जाएगा।
किचन जो है सेम ग्राउंड पोर्शन की तरह यहाँ पे किचन डिज़ाइन है, यू शेप्ड ही आपके पास कैनन की अप्लाइंसेस है, आपको फैंसी काउंटर टॉप टाइल वर्क मिल जाता है। इसमें आपके पास टॉप तक जो कैबिनेट्स हैं वो नहीं बनाई गई। यहाँ पे जो मिड का टाइल है ये बड़ा एक यूनिक पैटर्न का है। आपके पास वेंटिलेशन एरिया भी है और ये सारी आपको कैबिनेट्स हाइड्रोलिक मिल जाती हैं। ओवन और बेकर की स्पेस वैकेंट है यहाँ पे, ये आपका डिफरेंट स्पेस, ये आपका सारे का सारा टीवी लाउंज है। अब इसके एक्सट्रीम लेफ्ट पे हमें मिल जाता है बेडरूम नंबर फर्स्ट। सीलिंग हाइट बहुत अच्छी रखी गई है, सामने वॉलपेपर है, वार्म लाइट, आपका जो यहाँ पे फॉल सीलिंग वर्क है वो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया। यहाँ पे एक स्मॉल सी स्पेस है, आपके पास यहाँ पे 3 डोर ओपनएबल कंसील्ड वॉल के अंदर ही इसकी वार्डरोब्स हैं। और यहाँ पे भैया आपको मिल जाता है इसका अटैच वॉशरूम, प्रॉपर एक थीम वाला वॉशरूम है। राइट लेफ्ट साइड की वॉल्स देख लें, शॉवर एरिया आपका हैंडल के साथ आपने डोर ओपन करना है, बिल्कुल सेपरेट है। व्यूअर्स एक दफ़ा फिर से इस घर की मैं अगर आस्किंग प्राइस शेयर करूँ तो 3,90,00,000 रुपये इस 8 मरला के मॉडर्न से डिज़ाइनर हाउस की आस्किंग प्राइस है, घर के ऑनर की तरफ से है, नेगोशिएबल है। उसके अलावा अगर आपने इस घर को विज़िट करना हो ऑन ग्राउंड, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सेम नंबर पे व्यूअर्स आपको मेरा व्हाट्सएप भी अब मिल जाएगा, आप किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट करके घर से रिलेटेड डिटेल्स ले सकते हैं। अब सारे वॉशरूम्स इस घर के टाइल्ड हैं, उनमें शॉवर कैबिन्स भी हैं और कुछ कुछ कंसील्ड हैं, यहाँ पर जैसे नहीं है रेन शॉवर लगा हुआ किसी में, कुछ कुछ सिंपल हैं। तो ये हो गया हमारा इसका बेडरूम नंबर 3। इन टोटल 5 बेडरूम्स की अकोमोडेशन है। तो व्यूअर्स ये थी आज की नई वीडियो, आज का नया खूबसूरत घर। चलते हैं वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट घर की वीडियो में। फर्दर डिटेल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।